गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टीचिंग मैथ्स। टॉपिक जो है वो है आपका 7 डिजिट एंड 8 डिजिट्स नंबर्स। इसके अंदर करना है आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, शॉर्ट कर करके लिख रहा हूँ मैं 10,000। कितने डिजिट हुए? 1, 2, 3, 4, 5। 7 डिजिट लेने, यानी 2 डिजिट और आपको इंक्लूड करने हैं इसमें। वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक। ठीक, ये तो होगा 7 डिजिट। अब उसके बाद लेते हैं हम 8 डिजिट। इसमें भी देखो आप वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट के नंबर हैं। अब ये दोनों डिजिट का नंबर आपने जैसे ये लिखा है यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 5, 1, 7, तो ये कहलाएगा आपका 71 लैक, 53,251। तो इसको लिखने का तरीका कितना जाएगा यहाँ? अब लिखेंगे हम उसमें 71,000, 71,000। फिर उसके बाद 200, 211। ये क्या कहलाएगा? इज 7 डिजिट नंबर। ऐसे ही लेते हैं हम 8 डिजिट नंबर। एट डिजिट नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल वही 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10 लाख, 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 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें हम नंबर डाल देते हैं। जैसे सारे नंबर लिए हमने 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 तो 8 टाइम हमने 9 लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे हम आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore इस तरीके से आपने कॉमा लगा दिया तो ये हो गया हमारे पास 9 crore, 99 lakh। तो अब किस तरह से लिखा जाएगा ये अब लिखते हैं उनको। राइट इट राइट दिस नंबर इन वर्ड्स इन वर्ड्स अभी लिखा जाएगा हमारे पास अब 9 crore, 99 lakh, 99 lakh, 99 thousand
900 99 ये जो डिजिट हमने लिखी थी, जो नंबर हमने लिखा था, ये था 8 डिजिट का नंबर। इसकी हमने प्लस वैल्यू बताई आपको, ये सब क्या है इसकी प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू, ये सब इनकी प्लस वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद इनवर्ट्स, इसकी वर्ड्स में लिखा 9,99,999,999। अब एक्सरसाइज देखो आप इसकी, ये एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें सॉल्यूशन है। रीड एंड राइट डाउन इन वर्ड्स द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000,000। तो ये हो गया 18,00,000। अभी 00 इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तो उसको बोला नहीं जाएगा, यूनिट 1,000, तो 100 वाला बोलेंगे आप। अब 808 बीच के अंदर कुछ भी जीरो आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको प्लस वैल्यू बोली नहीं जाएगी। सेकंड क्वेश्चन लिया हमने 1, 10, 100, 1,000, 10,000,000, 10,000,000। ये 7 डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 डिजिट के नंबर को लिखा 1,236,748। अब इसी तरीके से ये दिलाएं। अब आते हैं हम 10 डिजिट, 9 डिजिट का नंबर लिया हमने, ये 1, 10, 100, 1,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000, 10,000,000,000,000,000, 10,00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 0
अब ये 3 आ गया, ये बीच के नंबर नहीं बोले जाएंगे, तो बीच वाला नंबर दिया 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो जब 10 आया था तो एक साल बोला जाता है, तो 30,000 हो गया 30,000। उसके बाद ये भी नहीं बोला जाएगा तो 4, तो लिखा मैंने 10 crore 30,000 4। एक्सप्रेस इन न्यूमरल्स, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इनको नंबर्स में लिखना है। 6 lakh, तो सबसे पहले 6 लिख दिया। अब उसके बाद आया 3,000, यानी थाउजेंड्स के अंदर जो बताया था आपको, थाउजेंड्स के अंदर दो लिए थे हमने, 1,000 and 10,000। तो 10,000 की बात नहीं कर रहा, तो 10,000 की जगह 0 आ जाएगा और 3 की जगह, यहाँ 1,000 की जगह 3 लिख देंगे, तो 6 lakh 3,000। बाकी तो पूरा आ जाएगा 785, तो 785 लिख दिया। ऐसे ही लिया 80 lakh 15,205, 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो जब 80 आ गया तो 80 10 digit है, तो 80 lakh लिख दिया। उसके बाद 15,000, अब 15 भी 2 digit है, तो 15 लिख दिया अलग। तो उसके बाद 200, ये 2 लिख दिया। अब 5 आ गया तो 200 11 12 13 14 15 16 17, अगर ये होता तो वो 2 digit का होता। अब ये सिंगल डिजिट है इसलिए 0 लगा के 5 लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास 80 lakh 15,205। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी करके देखना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ। एट इन 287, 110, तो इसके बाद ये कौन से वैल्यू, 80। फिर उसके बाद 7 in 7002, क्या बोला हमने, 7000, तो 7000 लिख दिया। 0 इन, बताओ ये नंबर कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore। ये नंबर हमारे पास 7 crore 8 lakh 23,435। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ऐसे इसमें लिया 9 इन, इसको देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 17 crore 87 lakh 93,510। इसकी पूछ रहा है ये 9 की, तो ये 9 है यहाँ पर, 9 के बाद कितना है ये 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम हमने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 90,000। क्या हो गया ये 90,000। फिर इसके बाद क्वेश्चन करके देखना। अब ऐसे आते हैं क्वेश्चन पे,
फोर। क्वेश्चन फोर के अंदर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन, बताओ ये कितना नंबर है। ये वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख सिक्स लेख फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी। तो इसकी प्लेस वैल्यू तो है सिक्स लेख और इसकी प्लेस वैल्यू है सिक्सटी। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ये, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, सिक्स लेख में से सिक्सटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। यह आया हमारे पास फाइव लेख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी। सब्ट्रैक्ट करना आता ही आपको, जीरो की जगह जीरो लिख दिया, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो जीरो लिख दिया। अब यहाँ पर जीरो में से सिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेते आएंगे, इसको लेंगे ये टेन करेंगे या फाइव करेंगे, ये टेन हो गया तो ये नाइन हो जाएगा, फिर इसको टेन करेंगे, इस तरह चलते रहेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे। ये टेन टेन में सेपरेट दिया फोर, इधर बचा नाइन, नाइन में से नाइन गया, नाइन का नाइन लिख देंगे, फिर नाइन का नाइन लिख देंगे और इधर फिफ्टी नाइन आ जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे इसके अंदर लेना हमें ये थ्री इन थ्री लेग थ्री करोड़ फोर्टी सेवन लेख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन। देखो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मैं भी चुक गया, आप ध्यान रखने से बात का आपसे नहीं हो गलती, गलती हमने सुधार ली है। वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लेख करोड़ थ्री करोड़ फोर्टी सेवन लेख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन। ये पूछ रहा है कि थ्री की जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री। तो थ्री के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम जीरो लगा दिया, और इस वाले थ्री के बाद वन टू थ्री थ्री टाइम जीरो लगा दिया। अब इसमें से ये सेपरेट किया जैसे हमने यहाँ पर सेपरेट किया था, जब इसमें सेपरेट करेंगे कितना आएगा, ये जीरो 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 सेवन नाइन 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 टू टू करोड़ नाइन्टी नाइन लेख नाइन्टी नाइन थाउजेंड। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन फोर करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव लिखा हुआ है एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको फैला के लिखना है, एक्सपेंडेड का मतलब एक्सपेंड करके फैला के, 523। देखो कैसे लिखा इसको, इसका सॉल्यूशन ये 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3 प्लस 3 है ये। ऐसे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 1 × 10 100 1000, तो 6 1000 की वैल्यू है, 3 100 पे है, 4 10 पे है और 8 1s पे है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करके इस तरह से लिखना है, इससे आपको फैला के लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द न्यूमरल हूज एक्सपेंडेड फॉर्म आर गिवन बिलो। अब ये इस तरीके से था, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था ना पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको फैलावा नंबर है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये, इसको फॉर्म में लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है। अब जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5 × 10000 प्लस 7 × 100 प्लस 8 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 6 × 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 50000 और ये 7000, ये 1000 वाला ये सब एक ही साथ लिखे जाएंगे, तो 50000 और 7000 तो हो गया 57000। 100 वाला अकेला लिखा जाता तो 800, और ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे 10 और 6, ये 16 लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर करा हमने सब की 7 × 1 लेख 9 × 10000 0 × 1000 6 × 100 2 × 10 8 × 1। जब ये बात आई लेख की 7 लेख, तो अकेला है तो 7 लेख लिख दिया। अब ये 9 10000 है और ये 1000 है, तो 1000 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। और 90, तो ये 90 लिखा जाएगा वाली 7 लेख, और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, इसके ऊपर मैं गोला बनाया था ताकि आपको याद रहे 90000। 100 वाला अकेला लिखा जाता है और 10 और वंस वाले एक साथ लिखे जाएंगे, तो 20 और 8 28, ये 28 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, कंपेयर इच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय पुटिंग ये निशान, क्या का साइन है ये, लेस देन ग्रेटर देन इन द बॉक्स। कंपेयर करो
1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, ठीक है, कितना डिजिट हुआ ये 7 डिजिट। अभी तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, ये 6 डिजिट हो गए, तो जाहिर सी बात है 10 डिजिट वाला बड़ा हुआ तो ये ग्रेटर देन का साइन आएगा। अभी तो चेक करो बात, 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 10,000,000, 10 करोड़, 10 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000,000, 10 करोड़, 10 करोड़, ये भी 10 करोड़, ये भी 10 करोड़। अब हम नंबर को चेक करेंगे, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 करोड़ है, यहाँ भी 16 करोड़, दोनों इक्वल हैं। ये 43 लाख, ये 43 लाख, ये भी इक्वल है। ये 17,000, ये भी 17,000 इक्वल, देखो इक्वल चल रहा है अभी तक। 16 करोड़ इक्वल, 43 लाख, 43 लाख इक्वल, 17,000 इक्वल। अब आगे चेक करो 300 और 400, अभी 400 वाला बड़ा हो गया, तो बड़ा होता ही इसका मतलब इधर बड़ा है और ये छोटा हो गया। जब ये लेस है और ये ग्रेटर है तो इसका मतलब दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, इसी तरीके से करो। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द नंबर इन ईच पार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, और आखिर में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन चेक करा हमने, 17,800, 17,903, 17,308, 17,400। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 17,903, इसको सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद 17,800 ये लिख दिया, और उससे छोटा 17,400 ये, और सबसे छोटा 17,308 ये लिख दिया। अब इसको तीन क्वेश्चन को इस तरह से रीअरेंज करना है।